हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास फिफ्थ के लिए हम करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू ऑफ चैप्टर नंबर वन सुपर सेंसेस ऑफ क्लास फिफ्थ। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे जो हमारे सुपर सेंसेस चैप्टर से रिलेटेड थे। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ देयर स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। जो इंसान है वो जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। इंसान कुत्तों का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं उनकी स्मेल का यूज़ करके। मतलब जैसे कई बार आपने देखा होगा जो पुलिस वाले होते हैं या फिर जो बॉम्ब स्क्वाड टीम होती है या फिर जो आर्मी टीम होती है, उनके पास में क्या पाए जाते हैं, उनके पास कुत्ते होते हैं, ठीक है, उनके पास डॉग्स होते हैं बहुत सारे। तो वो क्या करते हैं, वो डॉग्स को लेके जाते हैं और अगर मान लो कोई चीज़ चोरी हो गई, कोई चीज़ कहीं ज़मीन में छुपाई हुई है, इन सब चीज़ों का पता लगाना हो तो किसका यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं उन डॉग्स का। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स इज यूज बाय ह्यूमन इन मेनी वेज। जो डॉग्स के स्पेशल सेंस है, जो उनकी स्मेल है, उनका यूज इंसान बहुत तरीकों से करता है। सम एग्जाम्पल आर एज फॉलोज। जो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए, ठीक है, जैसे कोई अपराधी है, किसी ने कोई अपराध किया है, ठीक है, किसी ने कोई मर्डर किया है, कुछ भी किया है, तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस वाली जो टीम होती है वो किसका यूज करती है, डॉग्स का यूज करती है। नेक्स्ट है फॉर डिटेक्टिंग स्टॉलन गुड्स। अगर मान लो किसी कोई चीज़ चोरी हो गई, उस चोरी हुई चीज़ को अगर ढूंढ के निकालना है तो पुलिस वाले किसका इस्तेमाल करते हैं, तो भी पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं डॉग्स का। लास्ट है फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब। अब आतंकवादी होते हैं, कई बार कहीं पर बॉम्ब लगा देते हैं, ठीक है, कहीं पर बॉम्ब लगा देते हैं और उनको ढूंढना पड़ता है, तो उन बॉम्ब को ढूंढने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो डॉग क्या करते हैं, उन बॉम्ब को ढूंढ के निकालते हैं और ढूंढ के क्या करते हैं, उनको डिफ्यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर वन ये आपका कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर वन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन नंबर वन को पूरे को आपको अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनकी स्मेल का यूज इंसान किस तरीके से कर सकता है। तो इंसान अगर मान लो कोई चीज़ चोरी हो गई तो उसको ढूंढ निकालने में कुत्तों का इस्तेमाल करता है, या फिर कोई अपराधी है, कोई क्रिमिनल है, उसको ढूंढ निकालने में भी मदद करते हैं कुत्ते। और जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं पे अगर कोई बॉम्ब छुपाया हुआ है तो उसको निकाल के डिटेक्ट करने में, और फिर जो बॉम्ब स्क्वाड टीम होती है उसको क्या कर देती है, डिफ्यूज़ कर देती है, क्योंकि अगर बॉम्ब फटेगा तो उसके साथ में बहुत सारे लोगों की जाने भी जा सकती है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर वन पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में। वेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। आप कब ये पता करते हो कि जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो आपके लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। लिस्ट सम एग्जाम्पल लाइक टू नो बाई इट्स स्मेल दैट फूड हैज गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग। पूछा है क्वेश्चन में कि आप अपने स्मेल का इस्तेमाल किस तरीके से करते हो, आपकी स्मेल आपके लिए कितनी ज़्यादा यूजफुल है, यह आपको कैसे पता चलता है कि आपकी स्मेल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई खाना है वो सड़ गया, खराब हो गया, ठीक है, बहुत टाइम से पड़ा रह गया, वो आपके खाने लायक नहीं है, अगर बॉडी में जाएगा तो आपका पेट दर्द होने लग जाएगा, उल्टी होने लग जाएगी, आपको लूज मोशंस होने लग जाएंगे, ऐसी बीमारियां हो जाएगी अगर उस खाने को अगर आप खा लोगे तो इन सब चीज़ों का आपको पता लग जाता है। या कहीं पे कोई चीज़ जल रही है तो भी आपको पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई चीज़ जल रही है, क्योंकि स्मेल, अगर मान लो कोई वायर जल रहा है, कोई दूध जल रहा है, तो इन सब से भी आपको क्या करता है, पता लग जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जल रही है। क्लियर है आता है? तो ये सब चीज़ों का आपको पता लगता है, ठीक है, आपको पता लग जाता है इन सब चीज़ों का। ऐसे ही आपको कुछ एग्जाम्पल देने जिससे ये पता लगे कि आपके जो स्मेल है वो आपके बहुत तरीके से क्या आ सकती है, काम आ सकती है। फर्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम द स्मेलिंग बैड फूड और ए बर्निंग ऑब्जेक्ट वी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ फॉलोइंग। ये जो खाना अगर सड़ जाता है या फिर किसी जले हुए जो कोई भी चीज़ है, कोई जले हुए की बदबू आना, इनके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम स्मेल कर सकते हैं, जिनको हम सेंस कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी स्मेल है,
टेस्टी फूड, अगर मान लो घर में कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड बनाए, किसी रेस्टोरेंट में आप अगर आप खाना खाने गए हो, वहाँ पे आपने कोई टेस्टी फूड को ऑर्डर किया है, तो वहाँ पे जो आपको स्मेल आएगी उस टेस्टी फूड की, वो आप पता कर सकते हो कि हाँ ये इसकी खुशबू है। परफ्यूम अगर किसी ने लगा रखा है तो उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप उससे भी पता कर सकते हो कि हाँ ये रोज़ का परफ्यूम है, ये जासमिन का परफ्यूम है, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो परफ्यूम आते हैं उनका आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट है इंसेंस स्टिक्स। इंसेंस स्टिक्स क्या होती है, जो अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती को अगर आप जलाओगे तो उसकी जो धुआं होगी उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आपको मिलेगी। फ्लावर्स की आप खुशबू पता कर सकते हो। स्वेटी क्लोथ्स, जो पसीने में भीगे हुए जो कपड़े होते हैं उनकी भी आपको स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आती है, वो भी आपको पता लग जाएगी। गैस लीक इन द किचन, अगर मान लो कहीं किचन में अगर कोई गैस लीक हो रही है तो इसका भी आपको पता लग सकता है। किसके थ्रू पता लगेगा, आपको अपने सेंस ऑफ स्मेल, मतलब आप अपने नाक के द्वारा ये पता लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जो गैस के किचन के अंदर कोई गैस क्या हो रही है, लीक हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन। आज आपको सिर्फ दो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि आप इनको अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है, आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए। कोई डाउट्स है इन क्वेश्चंस के अंदर, दोनों क्वेश्चन के अंदर, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, या स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।